सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आप देख सकते हो गाड़ी की फ़िलहाल हालत। भाई बारिश पड़ गई थी, बारिश की वजह से गाड़ी भाई पूरी पड़ी है गंदी। चलते हैं भाई इसको वॉश वगैरह कराते हैं और कुछ इसमें अगर और छोटर मोटर देखते हैं भाई, कुछ काम वाम होता है कराने लायक तो भाई करवाते हैं। तो पहले इसको आज पूरी ना सही से साफ़ कराऊँगा यार, मतलब अंदर से भी ना। या तो मेरे को लग रहा है भाई मेरे को लेना पड़ेगा वैक्यूम क्लीनर वगैरह ना। अब ये जो ऐसे मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है ना, वैसे तो देखो यार ये तो साफ़ हो जाता है, बट ये जो चीज़ है यार ये निकल नहीं पाती मिट्टी, ये वैक्यूम वगैरह से निकलेंगी, अंदर से भी काफ़ी गंदी हो रही है, वो सब कुछ कराते हैं इसको। चलते हैं भाई। तो भाई मैं आ चुका हूँ किरतपुर। तो भाई अगर कोई किरतपुर से है या किरतपुर के आसपास से है तो भाई मैं शॉप दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया प्राइस में आपको आपकी कार वॉश करा कर देंगे वो 150 रुपीज़ में। ओनली 150 रुपीज़ में आपको बाहर से, अंदर से और इंटीरियर में आपकी क्लीनिंग से लेके आपका वैक्यूम क्लीनर सब कुछ, मतलब आपको 150 रुपये में भाई मिल जाएगा। वही रेट अगर आप बिजनौर में जाकर लोगे तो भाई कम से कम 250 के आसपास मिलेगा, या हो सकता है भाई 300 भी मिले अंदर बाहर से और पॉलिश वगैरह सब कुछ के साथ। तो भाई ये सेकंड वाला पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम, इससे आगे जाकर ही वो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा भाई। मैं एक बार देख लूँ कहाँ पड़ता है फिर आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ भाई। तो भाई पहुँच गया हूँ, ये लेफ्ट साइड है भाई, LDR पब्लिक स्कूल है और आपका ये जो शॉप है इसका नाम है भाई सोनू गाड़ी धुलाई सेंटर। अभी भैया को करता हूँ कॉल, सामने दिख नहीं रहा यार कहाँ पे। देखो यार क्या हालत हो रही है, अभी बिफोर और आफ्टर लुक दिखाऊंगा भाई मैं आपको। ये फिलहाल इसमें मैट डलवा रखे थे GFX के, काफ़ी सही रहते हैं भाई। अभी इस पर बस पानी मार गया ना ये, सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती है, पानी मारो उस पर ऐसे दीवार से लगा के ऐसे खड़ा कर दो, सारी की सारी गंदगी भाग जाती है। देखना भाई गंदगी सब साफ हो गया अभी। हाँ यार मौसम ऐसा ही हो रहा है, बस डर लग रहा है यार धुलवाते हुए, पता चला धुलवा भी लो और फिर जाके आपका बारिश स्टार्ट हो जाए। ये भाई ने जुगाड़ से पंखा लगा रखा है, देख रहे हो, वाह वो दिक्कत नहीं है भाई कहीं से कहीं तक भी। ये भैया ने चलो भाई थोड़ी ऊपर को, नीचे से सफाई हो जाएगी क्योंकि अपना चालू हो चुका है काम। भाई एक चीज़ तो है यार, अगर मतलब गाड़ी धुली हुई हो ना अंदर से तो बैठ के मतलब फील आता है भाई चलाने में यार, गंदी में ना बिल्कुल फील सा नहीं आता, एकदम कॉन्फिडेंस से ऐसा डाउन डाउन सा रहता है साफ गाड़ी में। तो भाई मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन है भाई, किसी और का कुछ और भी हो सकता है, तो भाई मेरे को तो ये लगता है मतलब जब गाड़ी साफ़ सुथरी हो तो आपका कॉन्फिडेंस वो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है भाई। तो भाई मशीन तो भाई पड़ी है ख़राब, ये वैक्यूम वाली, और फिलहाल जो भैया हैं वो गीला कपड़ा और पॉलिश वगैरह से काम चला रहे हैं। तो भाई गाड़ी होती है तब चलते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, गारा हो रहा है यार काम। तो चकाचक दे, हाँ ठीक है, मक्खी वक्की बस भाई, बाकी तो बढ़िया होगी भाई, पॉलिश वॉलिश लग पैसे है पतलो। इतना सही लुक आता है यार गाड़ी अगर ऐसे खड़ी कर दो, बाकी शार्प एंटीना वगैरह सब कुछ बिल्कुल बेस्ट लग रहा है यार इस टाइम में। अब भाई कुछ सजेशन दो यार मुझे यार, क्या कराना चाहिए? अगर लोग मुझे अभी जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कार के सीट कवर और अलॉय व्हील कर रहे हैं भाई। अलॉय व्हील तो खैर अभी नहीं, वो मैंने आपको बताया रीज़न, उससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख लेना, लेकिन हाँ भाई कार के सीट कवर बहुत जल्दी भाई लगवाऊंगा, विद इन 1 या 2 वीक के अंदर भाई लगवा लूँ और आपको दिखाऊंगा, मतलब बेस्ट ही होगा भाई जो काम होगा। अब जी यार एक वो लाइट का और काम है थोड़ा, वो मैं आपको लेके चलता हूँ बताता हूँ क्या भाई गड़बड़ क्या है वो अंदर ही, जो अंदर वाली लाइट होती है ना केबिन वाली, उसमें भाई थोड़ा सा मतलब चांदना भाई काफ़ी ज़्यादा ही आ रहा है, तो उसका कुछ सोल्यूशन करवाना मेरे को ना। तो भाई फिलहाल भैया करते हैं पेमेंट और चलते हैं भाई। गाड़ी तो काफ़ी चमक गई थी, फिलहाल मैं आ गया बराबर वाले पेट्रोल पम्प पे, एक बार भाई हवा चेक करा लेता हूँ। 35 डालना लड़का, चल भाई 35 स्टैंडर्ड का रखा भाई इन्होंने हिसाब किताब। तो भाई ये चीज़ है यार बगैर सीट कवर के ना, यहाँ ना धूल मिट्टी यार ये सब चीज़ घुस जाती है, आप देखोगे ना
अरे गंदे गंदे लगते हैं कुछ टाइम बाद, अब यार फैब्रिक है तो बस यही है भाई फिलहाल। सीट बेल्ट का बड़ा बुरा राग है भाई इसमें, मतलब कि टीटी टीटी करने लगती है भाई, खासकर पीछे वाली। पीछे वाली तो भाई आपको लगा के रखनी पड़ेगी अगर आप बलेनो वगैरह लेते हो ना भाई, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना आप। बाकी यार जो पॉलिश लगा देते हैं ना स्टेयरिंग वगैरह पे, ये यहाँ लग जाती है देख रहे हो, ये देखो तो यार यहाँ हाथ वाथ फिसलते हैं, थोड़ा इसको सही कर लूँ मैं। तो भाई जो मेन दिक्कत है यार वो इस लाइट की है, मैंने लाइट लगवा देना इसका ज़्यादा ही तकड़ी ब्राइटनेस है इस पर यार, थोड़े से ना सोल्यूशन पूछता हूँ जाके। या तो इस पर लगेगा डार्क वाला टिंट, या फिर इस पर लगेगा भाई स्मोक, जो भी है मैं बताता हूँ। फिलहाल शॉप पर आ गया हूँ भाई की, तो ये भाई अब चिपकाएंगे अपना। बाकी भाई गाड़ी तो काफ़ी अच्छी चमक रही है, अब इसका इलाज करवाते हैं भाई। देख रहे हो कई सारी एलईडी है भाई, लाया ये डार्क वाली स्मोक, क्या बोलते हैं इसको डार्क स्मोक जी, 25%। अच्छा 25% है, बुलवा के लाया हूँ जस्ट गाड़ी में लगा के भर देता हूँ। ये हो गया भाई काम फिनिशिंग से। जला कर देखना होता। तो भाई करवा तो लिया, निकल गया हूँ घर की तरफ, बाकी रेस्पॉन्स भी आप देख लो। एक सेकंड आपको जला के दिखा देता हूँ। तो भाई ये है कुछ, बाकी आपको रात को दिखाऊंगा भाई क्लिप अगर रात को मुझे मौका मिला। तो भाई शाम का टाइम हो गया था, बाकी ऐसा सा भाई कुछ रेस्पॉन्स है इसका। ये भाई कुछ तो भाई फर्क पड़ा ही है इसमें। तो अगर भाई आप धोखे में वो करवा लो ना ज़्यादा तकड़ी एलईडी, तो भाई ये कैसा कुछ सोल्यूशन बन जाता है। बाकी भाई सजेस्ट करो यार और क्या क्या है, मतलब एक सीट कवर सजेस्ट किया है बस आपने लास्ट की वीडियो में, मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी, तो आपने वही सजेस्ट किया भाई अलॉय वलॉय कुछ इतना लंबा चौड़ा काम मत करना भाई, अभी कोई यूट्यूब की इनकम इनकम नहीं आई भाई मेरी, कुछ छोटा मोटा कुछ काम हो तो भाई सजेस्ट कर देना। तो आज के लिए भाई व्लॉग में इतना ही था, अब कुछ यार लेटेस्ट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जो मैं आपको बना के रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मसालेदार दिखाऊँ। मसालेदार तो भाई मतलब हो तभी दिखाओ, जब होना तो बेमतलब है मसाला बना के उसको दिखाना, वो चीज़ भाई मुझसे होती नहीं। तो फिलहाल अपनी गाड़ी हो चुकी है साफ, और भाई नीचे देख लो भाई, मतलब लेके चलाऊं और एकदम गंदी स्टार्ट हो गई होनी, गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, कीप सब्सक्राइबिंग कीप कमेंटिंग व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट इन माय वीडियो। ओके बाय।